हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स। कैलकुलस चल रहा है हमारा, और कैलकुलस में आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। देखिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट कैलकुलस के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन कवर होता है, और साथ ही साथ आपको IIT JEE में भी इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का, और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इसको। हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज जो पहला पार्ट है उसमें आपका मैं बेसिक फंडामेंटल और मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना आपको सिखा रहा हूँ, और सेकंड पार्ट में हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, मतलब उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के अनुप्रयोग। तो दोनों पार्ट करने के बाद आपका मैक्सिमा मिनिमा कम्प्लीट हो जाएगा। यदि दो पार्ट में नहीं हुआ तो तीन करेंगे, बाकी दो में हो जाएगा। एक पार्ट में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड पार्ट में इसके एप्लीकेशंस, जो वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा। सबसे पहले हम देखें मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूं तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, हिंदी में बोलते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, इंग्लिश में भी ध्यान रखो ज़्यादा अच्छा है। जनरली हिंदी मीडियम किसमें उच्चिष्ट निम्निष्ट बहुत लंबा नाम लगता है, मैक्सिमा मिनिमा ही कहते हैं। मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको वर्किंग स्टेप समझा दूं। वर्किंग स्टेप इसका मतलब किस तरह से हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते हैं, वर्किंग स्टेप्स। तो सबसे पहले आपको एक गिवन होगा, फंक्शन ऑफ एक्स। हमको एक फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू दिया रहेगा जो कि हमारा क्वेश्चन होगा, क्लियर। तो सबसे पहले हमको फंक्शन ऑफ एक्स क्वेश्चन में मिलेगा, तो सेकंड स्टेप हम वर्क करेंगे, हम करेंगे फाइंड करेंगे f'x, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हम उसका एक बार अवकलन करेंगे। f'x मतलब उसका एक बार अवकलन करेंगे। आफ्टर दैट, उसके बाद हम वो जो f'x का वैल्यू आएगा उसको जीरो रखेंगे, और जीरो रखने के बाद उसको हम करेंगे सॉल्व। f'x इक्वल टू जीरो रख के सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करके x के पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करेंगे, सपोज a b c एंड सो ऑन। मतलब जब हम उसको एक बार अवकलन करेंगे, और एक बार अवकलन करने के बाद जीरो को इक्वल करेंगे, तो जीरो को इक्वल करने के बाद उसको सॉल्व करके हम एक्स के वैल्यूज फाइंड करेंगे, और जितने वैल्यू संभव हो सकेगा उतने वैल्यू हम उसके फाइंड करेंगे, क्लियर। इसके बाद थर्ड नंबर का जो हम वर्क करेंगे, फोर्थ नंबर का, वो है f"x। अब उनका हम f" उस फंक्शन का दोबारा अवकलन करेंगे। दोबारा अवकलन करने के बाद जब हम उसका दोबारा अवकलन कर लेंगे, तो एक्स के जितने वैल्यूज हमको मिले थे, ये जो x में जितने वैल्यू मिले थे उसको f"x में रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। तो पांचवें नंबर का काम हो जाएगा f"। मान लो x का वैल्यू a मिला था तो a रखेंगे। अब जब a वैल्यू को रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा, वह वैल्यू यदि सपोज यह वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गया, f"a रखने से यदि वो ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो उस समय वो होता है मिनिमा। यहां ध्यान रखना, ये उल्टा होता है उसके, वर्धमान ह्रासमान इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के उल्टा होता है। ग्रेटर देन जीरो में मिनिमा होता है। कई बार स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि ग्रेटर देन जीरो में आया तो मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्रेटर देन जीरो हो तो मिनिमम होता है, ठीक है। और यदि ये जो हमने वैल्यू निकाला है f"a, यदि वो लेस देन जीरो हो जाए, तब हम उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम कहेंगे। मतलब उस पॉइंट के लिए क्या है, वो मैक्सिमम है। इसी तरह b को भी चेक करेंगे, इसी तरह c को भी चेक करेंगे, सबको करते जाएंगे, और जिसके लिए ग्रेटर देन जीरो होगा उसके लिए मिनिमम होगा, जिसके लिए लेस देन जीरो होगा उसके लिए मैक्सिमम होगा। बाई द वे f"x रखने से, ये तीसरा स्पेशल कंडीशन को ध्यान से समझना, कि अब यदि हम f"a रखे और वह शून्य के बराबर हो गया, तो फिर हम इस प्रोसेस को अगेन आगे बढ़ाएंगे, और f"x निकालेंगे,
और एफ ट्रिपल डेक्स एक्स निकालने के बाद फिर उसमें अपन जीरो को इसको रखेंगे, ए और बी की वैल्यू को जो भी है उसको रखेंगे और यही कंडीशन फॉलो करेंगे। बाय द वे अगेन एंड अगेन जीरो आता है तो नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम, तब उस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन है वह न तो मैक्सिमम होगा न ही मिनिमम होगा। ओके, तो इस प्रकार से मैं इसी को लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम भी बोलते हैं ना, उसको आप परेशान मत होना, जब क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी बुक में लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मिलेगा, परम उच्चिष्ट परम निम्निष्ट उसी को कहा जाता है। एक बार मैं आपको इसके वर्किंग स्टेप को रिपीट कर दूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में एक फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहेगा उसको हम एक बार अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करने के बाद उसको हम शून्य के बराबर कर देंगे जीरो के, और उसके बाद उसको हम हल करेंगे, हल करके हम एक्स के संभव मान निकालेंगे, जितने भी मान निकलेगा वो निकालेंगे, उसके बाद हम उसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो एक्स के मान निकले उनको पुटअप करते जाएंगे, भरते जाएंगे, जो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा मिनिमम होगा, जो लेस देन जीरो होगा तो मैक्सिमम होगा, यदि जीरो हो जाए तो दोबारा अवकलन करेंगे और प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे इसी तरह से। अब यहाँ पर मान लो हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, सपोज हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू कई क्वेश्चन में बोलता है कि अधिकतम मान आप निकालो, तो हमारा जो फंक्शन ऑफ एक्स है, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है मान लो ये मैक्सिमम है ए के लिए, तो वहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स में ए रख देंगे, या मिनिमम वैल्यू निकालना है मान लो मिनिमम वैल्यू, तो वहाँ पर हम फंक्शन ऑफ ए को रख देंगे, ये वैल्यू हमको फाइंड हो जाता है। मतलब जिस पॉइंट पर मैक्सिमम है उसको दिए गए फलन में रखोगे तो अधिकतम मान निकल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा, और जिस फंक्शन पर मिनिमम है यदि वहाँ पर हम मान को रख दें तो उसका न्यूनतम मान निकल जाएगा। इस प्रकार से हम मैक्सिमम मिनिमम को चेक करते हैं, ये हमारा वर्किंग स्टेप है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो क्वेश्चन कराने से वो कंप्लीट आपको प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाय द वे दो क्लास में नहीं हुआ तो तीन क्लास करेंगे, लेकिन इसको बहुत अच्छे से करना है, सफिशियंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एप्लीकेशन तब समझ में आता है जब हमको मैक्सिमम मिनिमम निकालना आ जाता है। ओके, चलिए तो आगे पढ़ते हैं अपन और एक क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन के हेल्प से हम फिर समझते हैं इसको। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूं इसके लिए, x के किस मान के लिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन एक्स, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इसको मिसप्रिंट है बुक में, एनसीईआरटी क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल, क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स, नाइन एक्स। इसके लिए हमको मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन में सब चीज़ निकाल देता हूँ, इसके लिए हमको मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है कि कहाँ पर मैक्सिमम है कहाँ पर मिनिमम है, और उसके साथ साथ हमको उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया ताकि मैं आपको प्रोसेस क्लियर कर सकूँ। तो प्रोसेस में मैंने क्या बताया था, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, तो पहला काम बताया था क्या, उसका हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स सीधा हम निकाल सकते हैं, एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स इक्वल, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन, ये हो गया डिफ्रेंशिएट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए हम उसको एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम एफ डैश एक्स इज जीरो, देयरफॉर अब वैल्यू को पुट अप कर दो थ्री, आसान काम है, एक बार प्रोसेस क्लियर हुआ, मेन है वर्किंग स्टेप जो मैंने अभी आपको समझाया वो क्लियर हो गया तो सब क्लियर है। इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, जीरो लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो थ्री कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा राइट साइड में जाके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, डिवाइड कर रहे हैं तो टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए, दैट इम्प्लाइज फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, तो माइनस टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, यहाँ पर देखो डिफरेंस के फार्म में आना चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस एक्स लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे माइनस एक्स माइनस, अच्छा दोनों का मल्टीप्लीकेशन थ्री आना चाहिए ना, तो माइनस ऐसा नहीं, इनका प्रोडक्ट आना चाहिए थ्री, ठीक है, तो माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स लिखते हैं, माइनस थ्री एक्स प्लस, सॉरी प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यह मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर दिया, तोड़ लिया, दैट इंप्लाइज यहां पर हम एक्स कॉमन कर लें तो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री और प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो वन कॉमन लिख सकते हैं, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स माइनस थ्री और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इक्वल टू थ्री एंड माइनस वन, ये लिख लिया मैंने डायरेक्ट, एक्स इक्वल टू थ्री हो जाएगा, इसको सॉल्व करें देखें इसको, एक्स इक्वल टू माइनस वन, क्लियर। अब जैसे ही आपको ये दो वैल्यू मिलेंगे, जैसे ही ये वैल्यू मिलेंगे, इसके बाद मैंने नेक्स्ट वर्किंग स्टेप क्या बताया था, एफ डबल डैश फाइंड करना है अपने को, ठीक है। नाउ एफ डबल डैश एक्स इक्वल, ये सिंगल डैश है जो हमने यहां पर निकाला है, अब इसका हम क्या करते हैं, डबल डैश करते हैं, तो सीधा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थ्री टू जा सिक्स, ये हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस सिक्स, एक्स का वन हो गया सिक्स एक्स माइनस सिक्स, ये हो गया एफ डबल डैश एक्स। अब एक एक करके हम इसको चेक करते जाते हैं, तो उसको आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना, सबसे पहले फर्स्ट किसके लिए, फॉर एक्स इक्वल टू थ्री, इस वैल्यू को मैं पहले ले रहा हूं क्योंकि एक्स के जितने भी वैल्यू निकलेंगे सबको रख रख के देखना है, तो फॉर एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री के वैल्यू यहां पर रख दें तो क्या हो जाएगा, देखो एफ डबल डैश थ्री इक्वल, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं सिक्स इंटू थ्री माइनस सिक्स, ठीक से सिक्स थ्री जा एट्टीन माइनस सिक्स इक्वल टू ट्वेल्व, और ट्वेल्व क्या है, जीरो से बड़ा है, विच इज ग्रेटर देन जीरो, चूँकि यह शून्य से बड़ा है तो शून्य से बड़ा होने के लिए कैसा वैल्यू देगा ये, इसलिए यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू देगा। अभी आपने आपको मैंने बताया था कि यदि ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, वर्किंग स्टेप में मैंने बताया था यदि ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या होता है, मिनिमम होता है, तो इस वैल्यू के लिए क्या होगा, यह मिनिमम हो गया, तो हमको पता चल गया फॉर एक्स इक्वल टू माइनस थ्री वैल्यू इज मिनिमम। अब सेकंड के लिए चेक करते हैं अपन, फॉर एक्स इक्वल, सेकंड वैल्यू क्या है, माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू माइनस वन हम यहां पर पुट कर दें f डबल डैश x पर, तो हो जाएगा f डबल डैश माइनस वन इक्वल सिक्स एक्स माइनस सिक्स, तो सिक्स इंटू माइनस वन माइनस सिक्स, दैट इक्वल ये हो जाएगा माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, और आप यहां पर देख रहे हो कि क्या है, ये लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो पर मिनिमम, और ये हो गया लेस देन जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या चेक किया, हम यहाँ पर चेक किए कि इसके लिए जो दो वैल्यू हम निकाले थे, एक्स इक्वल टू थ्री के लिए यह मिनिमम है और एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए क्या है, मैक्सिमम है, क्लियर। तो कहाँ पर, किस पॉइंट पर, यदि क्वेश्चन हमको यहाँ तक पूछता है कि किस पॉइंट पर वह मैक्सिमम है और किस पॉइंट पर मिनिमम है, तो हम बता देंगे कि x इक्वल टू थ्री पर वह मिनिमम है और x इक्वल टू माइनस वन पर वह मैक्सिमम है। लेकिन बाय द वे हमको क्वेश्चन में पूछे कि इस फंक्शन के मैक्सिमम तथा मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, तो कैसे बनाएंगे, देखिए देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, अब हमको
उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए हमारा फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स। चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स, नाइन एक्स क्वेश्चन चेक कर लो एक बार, यही है ना, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन माइनस थ्री है ना। एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स, और मैक्सिमम किसके लिए है, माइनस वन के लिए है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर एफ माइनस वन इक्वल माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन माइनस वन। मतलब फॉर मैक्सिमम वैल्यू हम क्या किया, x इक्वल टू माइनस वन को हमने पुट अप कर दिया, क्योंकि उसी के लिए क्या है, मैक्सिमम है। पूछेगा तो इसको बताना है, दैट इक्वल माइनस वन का क्यूब माइनस वन होगा, माइनस वन का प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस थ्री और यह हो जाएगा प्लस नाइन। दैट इक्वल नाइन में माइनस कर देंगे कितना, फोर, तो यह हो जाएगा फाइव। ये हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। और बाई द वे हमको क्वेश्चन में सब, इस क्वेश्चन में हर कुछ निकाल देता हूँ मैं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू क्या है, थ्री है। एक्स इक्वल टू थ्री के लिए पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, ये है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर देता हूँ। फंक्शन ऑफ थ्री इक्वल थ्री का क्यूब माइनस थ्री थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन और थ्री। यहाँ पर शुरू शुरू स्टूडेंट्स को बड़ा अजीब लगता है कि माइनस वन के लिए कैसे बड़ा आएगा और थ्री के लिए कैसे छोटा आएगा, मिनिमम आएगा, क्योंकि माइनस वन तो छोटी राशि है, थ्री तो बड़ी राशि है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो फंक्शन के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शुरू शुरू में डाउट आता है कि सर माइनस वन तो बहुत छोटी राशि है, इसमें तो मिनिमम वैल्यू आना चाहिए। ऐसा नहीं है, फंक्शन पर वो जाके चेंज हो जाता है, अभी आपको पता चल जाएगा। मैं इसीलिए इसको निकाल रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू आपको 5 मिला है, देखो मिनिमम क्या मिलेगा, ये हो गया 27 माइनस, ये भी हो जाएगा 3 9 27 27 और माइनस ये भी हो गया 27। क्लियर, तो यहाँ पर देखो ये 27 इस 27 के साथ में कैंसिल आउट हो गया और क्या मिल गया, माइनस 27। तो देखो यहाँ से क्लियर आपको पता है कि 5 ये मैक्सिमम वैल्यू है, इस फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू 5 ही हो सकता है और ये इसका मिनिमम वैल्यू है माइनस 27। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस वन के लिए वो बड़ा वैल्यू दे रहा है और x इक्वल टू थ्री के लिए वो छोटा वैल्यू दे रहा है, क्योंकि फंक्शन में x का साइन ही इसी तरह से डिसाइड किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, इस क्वेश्चन से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट सिर्फ इसलिए किया था कि आपको मैं मेथड समझा सकूँ। तो एक बार मैं मेथड रिविजन करता हूँ, देखो सबसे पहले आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स को एक बार आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उस फंक्शन को आप जीरो के इक्वल रखोगे, जीरो के इक्वल रखने के बाद उस फंक्शन को आप सॉल्व करके एक्स के उसे सभी संभव मान निकालोगे, जैसे यहाँ पर निकाला, फिर उसका डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आएगा उसमें सब मान को बारी बारी से रखते जाओगे, बारी बारी से वैल्यू को रखने पर जो ग्रेटर देन जीरो वैल्यू देगा वो मिनिमम वैल्यू होगा, जो लेस देन वैल्यू लेस देन इक्वल टू देगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। और यदि हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप करते जाएंगे। इस तरह से वर्किंग स्टेप को समझने के लिए, मेथड को समझने के लिए एक ही क्वेश्चन पर्याप्त होता है, लेकिन अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थोड़ा जिसका डिफिकल्टी लेवल या जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा है वो क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी आप लोग की जिम्मेदारी है। हर वीडियो में आप लोग को याद दिलाता हूँ कि मैथमेटिक्स में आपको कमांड करना है तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस। ये टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद
कुछ अच्छे क्वेश्चन का सॉल्यूशन उनसे जानने के बाद हमको एक्सरसाइज करना चाहिए अच्छे से, तभी मैथ्स में अच्छा कमांड होगा। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर नहीं डालता मैं, नंबर से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इसके कॉन्सेप्ट से। ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन एक्स प्लस कास एक्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम है रूट टू। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस एक्स इज रूट टू, ये हमारा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारा फंक्शन है और इसका मैक्सिमम वैल्यू रूट टू है, ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर? तो कैसे प्रूफ करेंगे? प्रोसेस तो वही होगा कि सबसे पहले हम इसको फंक्शन ऑफ एक्स सपोज कर लेंगे। क्लियर? तो देखिए प्रूफ, सिंस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट हो गया। देयरफॉर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, हालांकि यहां अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो हमको यहां चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू खुद निकालने बोल दिया है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए हम उस, देखो खुद बोल रहा है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, तो हमको उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करके चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फॉर्मेलिटी के लिए हम उसको निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, देयर फोर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, देयर फोर इसको ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू वन, टेन एक्स इक्वल टू वन। अब टेन एक्स इक्वल टू वन, देयर फोर हम एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पाई बाई फोर एंड सो ऑन, बाकी के और उसके बड़े वैल्यू से मतलब नहीं है, सबसे छोटे वैल्यू को अपन लेते हैं, फिर पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर, फोर फाइव पाई बाई फोर, बहुत से वैल्यूज के आएंगे। ये हो गया पाई बाई फोर। अब उसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करके उसको फॉर्मेलिटी के लिए चेक कर लेते हैं। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट, तो हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, इसका हम डबल डैश एक्स करेंगे तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? ये हो गया माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। देखो ये फंक्शन ही परमानेंट माइनस हो गया, माइनस और उसको मैं माइनस को बाहर कर लिया तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो सामने ही माइनस आ गया ये। ठीक है, तो अब वैल्यू को अपन पुट अप करके दिखा देते हैं। देयरफॉर फॉर एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, हमने एक्स का वैल्यू फाइंड किया है क्या? पाई बाई फोर, तो हो जाएगा एफ डबल डैश पाई बाई फोर इक्वल माइनस, ये होगा साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर, दैट इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई फोर क्या हो जाएगा? वन अपॉन रूट टू, और यह भी वन अपॉन रूट टू, दैट इक्वल माइनस टू अपॉन रूट टू।
टू अपॉन रूट टू, दैट इक्वल है माइनस रूट टू, माइनस रूट टू। अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू क्या आया, माइनस आया, इसका वैल्यू माइनस आया, इसका वैल्यू माइनस आना बताता है कि क्या है, इस पर ये लेस देन जीरो है, तो ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। क्वेश्चन में खुद बोल दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि पाई बाई फोर के लिए उसका वैल्यू मैक्सिमम है क्योंकि वह लेस देन जीरो है, ठीक है। तो आगे अपन सॉल्व करेंगे फिर, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू फॉर पाई बाई फोर, तो फंक्शन ऑफ एक्स हमारा क्वेश्चन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देयरफॉर फंक्शन ऑफ पाई बाई फोर इक्वल साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर, दैट इक्वल साइन पाई बार पाई बाई फोर होता है वन अपॉन रूट टू, साइन पाई बाई फोर इज वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू, दैट इक्वल टू अपॉन रूट टू, दैट इक्वल टू रूट टू, ये प्रूफ हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रूट टू है। प्रूफ दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज रूट टू, ये प्रूफ हो गया। तो आसान क्वेश्चन है, प्रोसेस सबका एक जैसा रहेगा, जो वर्किंग मेथड है, जो स्टेप्स होंगे सॉल्व करने के, वो सबके एक जैसे होंगे, ठीक है। बस किसी क्वेश्चन में प्रूफ करने बोलेगा, किसी में वैल्यू फाइंड करने बोलेगा, क्वेश्चन के स्टेटमेंट बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको वर्किंग स्टेप समझा दिया, ठीक है। वैसे इसके एप्लीकेशन ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन सब एक जैसा बनता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ, यह क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है क्योंकि इसमें फंक्शन की वैरायटी बहुत है, यह क्वेश्चन बहुत बेस्ट है। लॉग एक्स अपॉन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड, इसी क्वेश्चन की तरह प्रूफ नहीं करना है, फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, माने लॉग एक्स अपॉन एक्स, लॉग एक्स अपॉन एक्स, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान देना इसमें क्योंकि फंक्शन को, देखो फंक्शन सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट काम है, बाकी करना तो वही है अपने को। तो सिंस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल लॉग एक्स अपॉन एक्स, क्लियर। अब इसको क्या करें, हम एक बार डिफ्रेंशिएट करें, देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल, डिवीजन वाला फार्मूला लगेगा, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन x का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, दैट इक्वल लॉग x का x इंटू लॉग x का वन अपॉन x माइनस लॉग x इंटू इसका हो जाएगा वन और अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इक्वल कैंसल आउट होएगा वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया एफ डैश एक्स। देयरफॉर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या करेंगे अपन, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। वर्किंग स्टेप बिल्कुल फिक्स है, वही इस मैथमेटिक्स की अच्छी बात है कि आपको इतना पता रहेगा कि मुझे करना क्या है, बस उसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू यह है, ये हो जाएगा वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज उधर ट्रांसफर होकर जीरो हो जाएगा, तो वन माइनस लॉग एक्स इक्वल टू
जीरो, देयर फोर लॉग एक्स इक्वल टू वन। नाउ देयर फोर इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स, और लॉग वन को हम लिख सकते हैं लॉग ई, क्योंकि दोनों का बेस क्या है ई। लॉग एक्स लॉग वन को लॉग ई लिख सकते हैं, लॉग ई टू द बेस ई वन होता है। देयर फोर यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकल गया क्या वन। तो यहाँ पर देखो हमने एक्स का वैल्यू निकाल लिया ये वन। तो x इक्वल टू वन के लिए हमको क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है। तो पहले हम अगेन डिफ्रेंशिएट कर लें, देयर फोर नाउ f डबल डैश x इक्वल, ये f डैश x का वैल्यू है ठीक है। तो इसका f डबल डैश x करें तो वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको डिवीजन वाला फार्मूला फिर हम लगाएंगे। यहाँ थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ इसको। वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सिंगल डैश है। तो नाउ डबल डैश एफ डबल डैश एक्स इक्वल, यहाँ फार्मूला अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा देखो, डिनोमिनेटर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स है ना, वन माइनस लॉग एक्स है, सॉरी गड़बड़ हो जाता है अभी, वन माइनस या लॉग एक्स है। वन माइनस लॉग एक्स, ये माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, या उसको पहले लिख लूँ मैं जैसा फार्मूला की स्टेप है, अदरवाइज आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, फिर न्यूमिनेटर वन माइनस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर फोर, ये हो गया डबल डैश एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, दैट इक्वल एक्स स्क्वायर, ये जीरो, और माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस लॉग एक्स इंटू टू एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर फोर, दैट इक्वल, यहाँ से ध्यान देना एक एक्स इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा और एक एक्स बचेगा, उसको मैं यहाँ से कॉमन कर रहा हूँ और यहाँ से भी कॉमन करके इसके साथ में कैंसिल आउट करा रहा हूँ ठीक है। इतना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो क्या मिल जाएगा अपने को देखो, यहाँ पर मिल जाएगा माइनस वन, एक कैंसिल हुआ एक इसके साथ कॉमन हो गया माइनस वन। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन, और ये माइनस लॉग एक्स, और यहाँ पर कॉमन हो चुका है एक्स कॉमन हो चुका है तो बाहर रहेगा टू। तो ये माइनस वन हुआ, ये माइनस इसका साइन, वन माइनस लॉग एक्स ब्रैकेट के बाहर टू, और अपॉन ये हो जाएगा एक्स क्यूब। आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल माइनस वन, माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू, और माइनस टू लॉग एक्स, क्लियर। अपॉन एक्स क्यूब, नेचुरली यहां पर देखो आप माइनस को मैं कॉमन कर दूं तो टू प्लस वन थ्री, ये हो गया थ्री प्लस टू लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब हमको यहाँ पर देखो इसका वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो हमको ऐसे ही पता चल गया कि ये क्या है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ये ग्रेटर सॉरी लेस देन जीरो होगा, तो इसका वैल्यू लेस देन जीरो है तो क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, लेस देन जीरो तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्वेश्चन में हमको बोला है कि इसका फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, आप तो मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करना है, और हमने एक्स का वैल्यू कितना फाइंड कर लिया, वन फाइंड कर लिया, तो सीधा हम अपने क्वेश्चन में इसको पुट अप कर देते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो देयर फॉर हम यहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू, देयर फॉर मैक्सिमम वैल्यू फॉर एक्स इक्वल टू क्या निकाला हमने एक्स, तो फंक्शन ऑफ वन इक्वल, हम फंक्शन ऑफ वन पुट अप करेंगे हमारे क्वेश्चन में लॉग एक्स अपॉन वन में, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स
मतलब लॉग वन अपॉन वन, ठीक है, जीरो आता है इसका। ई क्यूब ये आंसर कितना है, यहाँ पर x का वैल्यू वन, सॉरी यहाँ पर मैं क्या लिखा x का वैल्यू, ओ यहाँ पर x का वैल्यू वन नहीं आएगा, log x का वैल्यू वन था ना, तो यहाँ पर आंसर e में आया, तभी मैं सोच रहा था log x का वैल्यू वन है। अब हमने log x को log e लिखा है तो x इक्वल टू क्या होगा, e होगा, यहाँ पर x इक्वल टू e होगा, और धोखे से लिख लिया मैंने e, तो आंसर e के फॉर्म में आया। ओके क्लियर है, सुधार लेंगे। यहाँ पर log x वन है तो लाग एक्स को वन को लाग ई लिखा था, दोनों तरफ एंटी लाग लेंगे तो लाग हट जाएगा तो एक्स इक्वल टू ई आएगा, तो यहाँ पर फिर मिस्टेक हो रहा था आंसर, क्योंकि आंसर दिया है लाग ई अपॉन ई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। वैसे मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का कोशिश करता हूँ एनसीईआरटी से, क्वेश्चन एथेंटिक है, उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड में आने के लिए इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव के लिए तो है ही है। तो ये हो गया हमारा लाग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा लाग ई अपॉन ई, इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू आंसर में दिया हुआ है लाग ई अपॉन ई, ठीक है। लाग ई अपॉन ई भी लिख सकते हो या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, बुक में ऐसा आंसर दिया है, लाग ई का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, तो लिख सकते हैं वन अपॉन ई, क्योंकि लाग ई इज वन, लाग अभी हमने वन को लाग ई लिखा था, क्यों होता है, क्योंकि बेस भी ई है, क्लियर। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का और बता दूं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अपन देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट स्टेटमेंट है, एक्स टू दी पावर फोर माइनस 62x स्क्वायर, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर फोर माइनस 62x स्क्वायर माइनस 62x प्लस ए एक्स प्लस 9 प्लस ए एक्स प्लस 9, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है ये मैक्सिमम वैल्यू रहता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये बोलता है ये रखता है मैक्सिमम वैल्यू फॉर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड ए इक्वल टू, इस ए का वैल्यू फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका ए का वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि यदि वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है तो हमको ए का वैल्यू फाइंड करना है, दैट मीन्स इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, y इक्वल टू माइनस 6x2 प्लस 9 ये दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन की इनकम्प्लीट लिखा हूं तभी मैं सोच रहा था, फॉर मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू वन, वो वैल्यू को खुद दे दिया है, x इक्वल टू वन पर वह मैक्सिमम वैल्यू रखता है तो हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान समझना, ये हमको दिया है फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x इक्वल एक्स टू दी पावर फोर माइनस 62x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9, देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4x³ माइनस 124x प्लस ए, therefore for maxima or minima at x equal to 1, ये बोला है क्वेश्चन में, मतलब वो बोल रहा है कि x का वैल्यू मत फाइंड करो, x के वैल्यू a के लिए, x के वैल्यू 1 के लिए, घुमावदार है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, बोलता है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिस फॉर मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 फाइंड a इक्वल टू,
माने एक्स इक्वल टू वन पर वह मैक्सिमम वैल्यू का बिहेवियर देता है, तो उस समय ए का वैल्यू क्या होना चाहिए उस क्वेश्चन में। तो जब एक्स इक्वल टू वन हो तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम रख देंगे इसका वैल्यू, यही रख देता हूँ मैं डायरेक्ट इसको, तो हो जाएगा एफ डैश वन इक्वल टू जीरो होगा, एफ डैश वन जीरो होगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो हो जाएगा फोर, एक बार मैं ऐसे लिख दूं, इक्वल टू जीरो क्योंकि इस वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो एफ डैश वन पर वह जीरो, माने एक्स का वैल्यू जब वन हो तभी वह मैक्सिमम वैल्यू देता है, दैट मीन्स एफ डैश वन इज जीरो, एफ डैश वन इज जीरो दैट मीन्स दिस इज जीरो, देयर फोर एफ, इधर वैल्यू को पुट अप कर देते हैं अपन, फोर वन का वैल्यू एक्स का वैल्यू इतना माइनस 124 इंटू वन और प्लस ए इक्वल टू वन, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल टू जीरो सॉरी इक्वल टू जीरो ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ आप कन्फ्यूज मत होना, बार बार मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये अब हमको गिवन है। आपके दिमाग में आएगा भाई हम इसको कहाँ से पाए, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कि एफ डैश वन इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश का वैल्यू ये है, तो एफ डैश का वैल्यू ये है, तो यहाँ पर x का वैल्यू इतना है, तो 1 हमने वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर दिया। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को मैं इसीलिए लिया क्योंकि इसका एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा माइनस 120 प्लस a इक्वल टू जीरो, देयरफॉर a इज 120। तो a का वैल्यू फॉर विच वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 120, द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम फॉर एक्स इक्वल टू 1, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब छोटा सा है लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो ये मैंने आपको आज मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, कैसे मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करते हैं ये बताया, और मैंने कुछ क्वेश्चन लेके आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने का प्रोसेस को क्लियर किया। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट होंगे तो क्वेश्चन देखता हूँ, अदरवाइज यदि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा आप इस तरह क्वेश्चन और कर सकते हैं, तो हम इसके एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन में बहुत से क्वेश्चन हैं और बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो वो वर्ड प्रॉब्लम होगा जिसको फिर हिंदी इंग्लिश में अपन स्टेटमेंट आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करके कराएंगे स्टेटमेंट लिख के। ओके, थैंक यू।